मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं, भजन संहिता 92 का 5, भजन संहिता 92 का 5। हालेलुया, वचन है, हे यहोवा तेरे कार्य कैसे महान है, तेरे विचार बहुत गंभीर हैं। छठा, पशु समान मनुष्य इसका ज्ञान नहीं रखता और ना मूर्ख मनुष्य इसे समझता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर कौन है, वचन हमें बताता है कि परमेश्वर बहुत महान है, उसके कार्य अद्भुत हैं, लेकिन उसके विचार गंभीर हैं, उसके विचार गंभीर हैं, उसने जो कुछ भी किया है गंभीरता से किया है, उसने जो भी कुछ कहा है गंभीरता से कहा है। यीशु मसीह स्वर्ग से जमीन पर आए, उन्होंने एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा जो उनको नहीं कहना चाहिए था। मती 5 का अगर हम पढ़ेंगे पहला, तो उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने मुंह खोल कर बोला। हालेलुया, यानी कि सोच समझ कर बोला, विचार के साथ बोला, गंभीरता के साथ बोला। परमेश्वर ने गंभीरता के साथ हमें चुना है, यूं ही नहीं चुन लिया, यूं ही उसने हमें माफ नहीं कर दिया, यूं ही उसने हमें पापों शापों से मुक्त नहीं कर दिया, यूं ही उसने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर नहीं भेजा। उसकी गंभीरता है, उसकी योजना है, वो आपके और मेरे जीवन में काम करना चाहता है, वो धरती पर स्वर्ग को स्थापित करना चाहता है, इसलिए उसके विचार बहुत गंभीर है। समस्या यही है कि हम उस गंभीरता को अपने जीवन में लेते नहीं हैं, हम परमेश्वर को गंभीर नहीं लेते, हम चर्च आते हैं गंभीरता के साथ नहीं। यीशु मसीह का चेला बनना बड़ा आसान है, आप समझते हैं कि हमने घुटने टेक के माफी मांगी, यीशु मसीह की आत्मा हम में आ गई, वेरी गुड, बिल्कुल, वो पापों से शापों से मुफ्त में हमें मुक्त कर देता है, वो कोई कीमत नहीं मांगता है, इसलिए हम उसकी कीमत को नहीं समझते क्योंकि वो कीमत को नहीं मांगता है। लेकिन जो चीज हमें मुफ्त में मिली है, वो अनंत काल का जीवन जो हमें मुफ्त में मिला है, बाइबल कहती है, वचन कहता है कि परमेश्वर ने गंभीरता से दिया है हमें, वो इस बारे में गंभीर है, इसलिए उसने आपका नाम अपनी हथेली पर लिखा हुआ है, इसलिए वो कहता है कि आप उसकी आंखों की पुतली हैं, क्योंकि वो गंभीर है, इसलिए हमें भी गंभीरता से उसको लेना है, गंभीरता से उसको समझना है, गंभीरता से उसके वचनों को समझने की कोशिश करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्या होता है, इसका छठा वचन दोबारा पढ़िए बेटा, इसका छठा, बैठिए बहन। हालेलुया, पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता, और दूसरा, और मूर्ख इसका विचार नहीं करता, मूर्ख इसका विचार ही नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। पशु समान मनुष्य कैसा होता है, जो सिर्फ स्वार्थी होता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो अपने सुख के, अपने शरीर के सुख के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पशु समान मनुष्य स्वार्थी। आज आप देखिए, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं सड़कों पर सुरक्षित नहीं है। जो आदमी आज बलात्कार करता है वो कैसा है, पशु समान है। अपने शरीर के थोड़े से सुख के लिए वो किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन को भी नहीं छोड़ता। और उसके बाद आजकल नया ट्रेंड चला है कि बलात्कार करने के बाद खत्म कर देते हैं। इतना स्वार्थी हो गया है आपके एटीएम के अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, स्वार्थ। वो पशु समान मनुष्य है, वो नहीं, वो परवाही नहीं करता परमेश्वर की गंभीरता की। आपका जो स्वार्थ है वो आपको परमेश्वर से दूर करता है, आपका जो स्वार्थ है वो आपको पशु के समान बना देता है। स्वार्थ बढ़ता जाता है, मेरा 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 मेरा। जब आपका स्वार्थ बढ़ता है तो आप पशु के समान हो जाते हैं। इसलिए पशु समान जो इंसान है वो परमेश्वर की गंभीरता को नहीं समझता। और दूसरा क्या है, मूर्ख इंसान परमेश्वर की गंभीरता को नहीं समझता। क्यों?
क्योंकि मूर्ख इंसान ज्ञान से दुश्मनी रखता है। मूर्ख इंसान को ज्ञान पसंद नहीं है, उसको सिर्फ चमत्कार चाहिए, वो जीवन में सुख चाहता है, ज्ञान नहीं चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो मंजिल पे पहुंचना चाहता है, रास्ता नहीं चाहता, दिशा नहीं चाहता। मुझे कोई दिशा दे, नहीं मुझे मंजिल मिल जाए। अरे भाई कैसे जाओगे, सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, बस मुझे इमीडिएट उठा दीजिए आप। वो ज्ञान से नफरत करता है, इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर के कार्य तो महान है, उसके विचार गंभीर है, लेकिन पशु समान मनुष्य नहीं समझता है। और मूर्ख इंसान भी इसकी वैल्यू नहीं करता है, क्योंकि वो ज्ञान से घृणा करता है। लेकिन परमेश्वर का जो विचार है, परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर का जो कार्य है, वो गंभीर है। आप कलीसिया आते हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है, आप विश्वास करिए, परमेश्वर ने जब आपको लिया, जब आपको चुना, तो उसने संसार से आपको अलग किया, क्योंकि उसके विचार गंभीर हैं आपके लिए। वो आपको संवारना चाहता है, उसने वो आपको रचना चाहता है, इसलिए उसने यीशु मसीह के लहू से आपको शुद्ध किया, आपकी आत्मा को जिंदा किया, आपके मन को नया किया। उसने यीशु का मन आप में डाला। क्यों डाला? क्योंकि वो आपके लिए गंभीर है। अपनी आत्मा उसने आपके अंदर उड़ेल दी, क्योंकि वो आपके लिए गंभीर है, उसके विचार आपके लिए गंभीर हैं। लेकिन क्या हम उसकी गंभीरता को गंभीरता से लेते हैं? क्या महसूस करते हैं कि नहीं, हम आत्मिक रूप में जिंदा हो गए हैं, हमें आत्मा में चलना है, हमारा मन जो नया हो चुका है, हम शुद्ध हो चुके हैं, हम पवित्र हो चुके हैं, हमें परमेश्वर ने क्या था, हमें क्या बना दिया है, हम उसको इजी लेते हैं। इसलिए शैतान हमारे जीवन में काम करता है, इसलिए कभी हम यहां होते हैं, कभी वहां होते हैं, कभी सोच हमारी इधर होती है, कभी सोच उधर होती है, क्योंकि हम गंभीरता से नहीं ले रहे प्रभु को, हम गंभीरता से कलीसिया को नहीं ले रहे, हम गंभीरता से आने को नहीं ले रहे, वचनों को नहीं ले रहे। उसके कार्य कब महान आपको लगेंगे? जब आप गंभीरता से परमेश्वर को लेंगे। हालेलुया। आप गंभीरता से परमेश्वर को लेना है। हालेलुया। यूहन्ना 11। आइए मैं आपको दो भाई, दो बहनें और एक भाई की कहानी बताता हूं। हालेलुया। यूहन्ना 11 निकालिए, 1-4 तक पढ़िए। मरियम और उसकी बहन माथा के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोछा था। Amen. इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु गंभीर है। उसको जैसे ही पता लगा कि लाजर बीमार है, उसको जैसे ही पता लगा कि मरियम और मार्था का भाई बीमार है, उसको जैसे ही पता लगा कि लाजर जो मेरा मित्र है वो बीमार है, प्रेज द लॉर्ड, उसने कहा कि ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, ये बीमारी इससे परमेश्वर की महिमा होगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज उसने आपको क्यों चुना है? क्योंकि वो चाहता है कि आपके द्वारा उसकी महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन कहता है, वो जानता है ये कौन थी मरियम, जिसने यीशु के पैर धोए थे, जिसने यीशु को जान लिया था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु सर्वस्व है, महान है, सर्वशक्तिमान है। उसने सबके सामने इत्र की बोतल उसके पैरों को पैरों पर डाली और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछने लगी। हालेलुया। वो प्यार, वो श्रद्धा, वो सेवा बता रही थी कि मरियम कितना जानती है यीशु को। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने बालों से, एक औरत अपने बालों से अपने मान सम्मान की परवाह नहीं कर रही है, वो देख रही है सामने यीशु है।
और वो यीशु प्रभु को जान चुकी है और वो कह रही है प्रभु तू महान है, तू हमेशा सुगंधित रहे, तेरे अंदर से खुशबू हमेशा बहे, तेरी खुशबू संसार में फैले। हालेलुया। और वो अपने बालों से उसके पैरों को पोंछ रही है, पोंछ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जानता है कि मरियम मुझे जान गई है। मरियम ने इत्र की बोतल मेरे पैरों पर डाली, सबके सामने उसने अंगीकार किया, सबके सामने उसने बताया कि मैं कौन हूं, सबके सामने उसे बताया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। उस मरियम का भाई बीमार है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा नहीं, अभी नहीं जाऊंगा, मैं 2 दिन के बाद जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस बीमारी से परमेश्वर की महिमा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर अपने सामर्थ को आपके विश्वास के द्वारा प्रकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का तरीका है, वो अपने सामर्थ को किसके द्वारा? आपके विश्वास के द्वारा प्रकट करता है। उसे पता था यीशु मसीह को कि साहब मरियम के अंदर विश्वास है, मार्था उसके अंदर विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपने चेलों से कहा कि नहीं, वो सो रहा है, मैं जाऊंगा उसे जगाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जगाऊंगा उसे ताकि परमेश्वर की महिमा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने क्या सोचा कि लाजर पड़ा होगा, मरियम खड़ी होगी, मार्था खड़ी होगी और यहूदिया, पूरा यहूदिया खड़ा होगा और वो कह रहे होंगे अरे मरियम तेरा भाई मर चुका है, इसको गाड़। मरियम कहेगी नहीं, मेरा यीशु आएगा और मेरा लाजर उठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो तो जान चुकी थी, उसने तो अपने इत्र की बोतल उसके पैरों पर डाल दी थी, अपने बालों से उसने अपने प्रभु के पैरों को चूम लिया था, सेवा की थी, श्रद्धा की थी, उसके सामने अंगीकार किया था कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं 2 दिन के बाद जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, हुआ क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो पहुंचा वहां पर तो भाई नहीं था। अरे कहां गया भाई? प्रेज़ द लॉर्ड। कहां गया भाई? वो तो कब्र में है। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है कि यीशु मुर्दों को जिंदा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्यों अपने परमेश्वर को महिमा देना चाहता था? यीशु मसीह क्यों दुनिया को बताना चाहता था कि परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करने में सक्षम है? हालेलुया। इसी 11:37 पढ़िए, 11:37 पढ़िए। देखिए, परमेश्वर जानता है कि उसे स्वर्ग से धरती पर आकर किस तरीके से बताना है, मेरे बच्चों तुम जो संसार में दबे हो, तुम जो मौत के शिकंजे में हो, तुम जो डर के जिंदगी जी रहे हो ना, मौत को मैं हरा चुका हूं। मौत कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जीवन यीशु है, क्योंकि जीवन परमेश्वर है। हालेलुया। वो जानता था क्योंकि वहां के लोगों की सोच थी कि मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता परमेश्वर। 37वां पढ़िए बेटा जल्दी से। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि उनको यह विश्वास था कि वो अंधों की आंखें खोल सकता है, बहरों को कान दे सकता है, लेकिन मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता है। वो ये जानते थे, वो सोचते थे कि मरने से रोक सकता है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। वो ये जानते थे कि ये मरने से रोक सकता है और इसमें पावर नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा उसे मरने दो। हालेलुया। यीशु जानता था कि मरियम के अंदर विश्वास है, मार्था के अंदर विश्वास है, मैं जाऊंगा और उसके विश्वास के द्वारा मैं अपने सामर्थ को प्रकट करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मरियम क्या कहती है, 22वां पढ़िए इसका, 22वां 23वां। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका 22वां और 23वां। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ मार्था मिलने के लिए यीशु मसीह से, यीशु मसीह ने देखा कि लाजर नहीं है, यीशु मसीह ने देखा कि लाजर, अरे वो कहां गया लाजर जो बीमार था? किसी ने बताया मार्था से, मार्था जाओ, यीशु आया है, गुरु आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आई। हालेलुया। हाँ बोलिए।
और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अरे तू अगर जानती है कि वो जो कुछ भी मांगेगा परमेश्वर देगा, तो अपने भाई को तूने कब्र में क्यों डाला? हमारे संग यही होता है, हम अपनी चमत्कारों को निश्चित कर लेते हैं कि हाँ ये हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, बस हमारे जीवन में ये, हाँ नौकरी हमें चर्च से मिल सकती है, धंधा हमारा ठीक हो सकता है, हालेलुया, बीमारी ठीक हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड, असंभव को संभव जब आपके जीवन में होता है, असंभव चीजें आती हैं, तो आप डगमगा जाते हैं क्योंकि आपका विश्वास ही नहीं है, आपका विश्वास ही नहीं है। प्रभु कैसे काम करेगा? आपके विश्वास के ऊपर। हेलो, कैसे काम करता परमेश्वर? आपके विश्वास के ऊपर। क्यों यीशु मसीह काम नहीं कर पाया? क्योंकि आदमी नहीं है वहां पर, उसका विश्वास नहीं है। इसका 23वां पढ़ो, 23वां। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तेरा भाई फिर जी उठेगा। मेरी बहन, ये पहला चैप्टर है, ये बाइबल में पहला दृष्टांत है, पहली कहानी है कि यीशु चाहता है मुर्दा जिंदा हो, लेकिन बहनें नहीं चाहती कि जिंदा हो। प्रेज द लॉर्ड, वो चाहता है मैं जिंदा करने के लिए आया हूं, कहते नहीं 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 अभी नहीं, अभी उसमें दुर्गंध आ रही है। हेलो, यीशु चाहता है जिंदा हो, लेकिन बहनों को अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेरा भाई इंटरेस्ट हो, तो मर चुका है, मर के कैसे बाहर आएगा वो। प्रेज द लॉर्ड, क्या कहता 23वां, यीशु ने कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। प्रेज द लॉर्ड, 24वां पढ़िए, 24वां। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनर्स्थान के समय वह जी उठेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो यीशु को जानती थी, यीशु को प्रभु मानती थी। अपने घर बुलाया मार्था ने, यीशु बैठ, मैं तेरे के लिए खाने के लिए लाती हूँ, मैं तेरे लिए भोजन लाती हूँ, मैं तेरे लिए दान दशांश लाती हूँ। हम इसी चक्कर में रह जाते हैं और यीशु को पहचानते नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, मैं क्या दूं यीशु को? मैं यीशु मसीह को लाख रुपए दे सकती हूँ, चर्च में ये दे सकती हूँ, चर्च में वो दे सकती हूँ। यीशु कहता है अपना मन दे मुझे तू। हालेलुया, अपना मन दे मुझे। मार्था ने मन से माना ही नहीं, मन से जाना ही नहीं। मरियम ने मन से जाना ही नहीं कि परमेश्वर का पुत्र है यीशु। मेरा भाई जिएगा जब पुनरुत्थान का दिन होगा। हालेलुया, यीशु का कहता है 25वां में, इसी का 25वां। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। एक मिनट, हालेलुया, वो कहता है पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, अगर कोई मर भी जाए और विश्वास करेगा तो वो जी उठेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू पुनरुत्थान की बात कर रही है, मैं हूं। तू जीवन की बात कर रही है, मैं हूं। तू ज्योति की बात कर रही है, मैं हूं। हालेलुया, जो विश्वास करेगा वो अगर मर भी जाएगा तो वो जी उठेगा। प्रेज द लॉर्ड। 26वां, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? प्रेज द लॉर्ड, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? परमेश्वर कहता, क्या तू विश्वास करती है? हालेलुया। सबसे बड़ी बात है कि हम कलीसिया में आते हैं और हमें इसी बात पर विश्वास नहीं है कि हमें अनंत काल का जीवन मिल चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हम भी मार्था और मरियम की तरह हैं। विश्वास तो करते हैं कि यीशु मसीह है, विश्वास तो करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो हमारी हर समस्या का समाधान करेगा, हम विश्वास नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बहन, आपके जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका विश्वास मुकम्मल नहीं है। आपके घर में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि आपका विश्वास मुकम्मल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? कि उसकी महिमा हो आपके द्वारा, आपकी बीमारी के द्वारा, आपके संकट के द्वारा, आपकी गरीबी के द्वारा, आपके कर्जों के द्वारा उसकी महिमा हो। हालेलुया, लेकिन वो कब होगा? जब आप विश्वास करेंगे। अगर आप घर में बीमार हैं, आपका पड़ोसी कहता है, बहन आप तो बहुत बीमार हैं, आपको तो टाइफाइड है, आपको तो बुखार है, क्या हो रहा है? कुछ कर रही है? नहीं, कुछ नहीं करूंगी। आप हंस रही हैं,
अरे क्यों हंस रही हैं आप? क्योंकि मैं कलीसिया जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। हालेलुया। आप कलीसिया आकर ठीक हो सकती हैं अगर आपका विश्वास घर में है तो, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप सकुचाते हैं, आप शर्माते हैं, आप परमेश्वर को महिमा देते हुए लजाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। मेरे घर में प्रॉब्लम है, मैं कलीसिया जाऊंगा, मैं यीशु से जुड़ा हूं, परमेश्वर अद्भुत आशीष देगा। आपका विश्वास आपको आशीष देगा। आपका विश्वास क्यों कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है? क्यों कहा यीशु मसीह ने? जब भी किसी को चंगा किया, यीशु मसीह ने क्यों कहा तेरे विश्वास ने चंगा किया है? उसका सामर्थ तो सबके लिए है, लेकिन लेता कौन है? जो विश्वास करता है। यहां बहुत चंगाइयां होती हैं और चंगाइयां नहीं भी होती हैं। किसको चंगाई मिलती है? जो विश्वास करता है। किसकी चंगाई बनी रहती है? जो विश्वास करता है। कौन आशीष पाता है? जो विश्वास करता है। कौन बुद्धि पाता है? जो विश्वास करता है। आपका विश्वास नहीं है। याकूब की पत्री 1:14-17 पढ़िए। विश्वास के संग कर्म जरूरी है। मार्था और मरियम के पास विश्वास था, उनके पास कर्म नहीं था। उनके पास कर्म नहीं था, उन्होंने काम नहीं किया। पढ़िए याकूब 2:14 पढ़िए, 2:14-17। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? अगर आप विश्वास करते हैं और कर्म नहीं करते हैं, मार्था और मरियम ने क्या किया? विश्वास किया। विश्वास के संग उन्होंने संदेश भेज दिया कि यीशु मसीह तेरा दास, जो तेरा मित्र है, जिससे तू प्यार करता है, वो बीमार है। हालेलुया। लेकिन कर्म नहीं किया, इंतजार नहीं किया, सब्र नहीं किया, अंगीकार नहीं किया, उसने विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरी बहन आप ये सोचती हैं कि आपकी प्रॉब्लम, आपका दुख यीशु मसीह ने सुन लिया है स्वर्ग में, प्रेज द लॉर्ड, तो आप क्या कहेंगी? इस दुख को जाना ही है क्योंकि मेरे प्रभु ने सुन लिया है। कभी कभी क्या होता है कि आपको संदेह होता है कि प्रभु ने मेरी बात सुनी है कि नहीं सुनी है, उसके कान तक मेरी बात गई है कि नहीं गई है। हालेलुया। आपका ये संदेह होता है। हालेलुया। लेकिन यीशु कहता है कि तू जब बोलेगा, जब तू बात करता है, मैं सुनता हूं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है जब बोलता है तू, जब तू प्रार्थना करता है, तो मैं सुनता हूं। लेकिन तेरा विश्वास तुझे आशीष देता है। प्रेज द लॉर्ड। मार्था और मरियम के पास विश्वास था, उन्होंने कर्म नहीं किया, और विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। इसी का 17:2। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। अगर विश्वास के संग कर्म नहीं है तो अपने ही स्वभाव में मरा हुआ है, वो मर जाता है विश्वास, जिसके संग कर्म नहीं है। आप कलीसिया आते हैं अगर बिना विश्वास के साथ, अगर आप कलीसिया आते हैं और आपको पता है कि आप बीमार हैं, आपको पता है कि मैं कर्जे में हूं, आपको पता है कि मेरा धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, आपको पता है कि शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है, आपका विश्वास आपको आशीष देगा, लेकिन उसके साथ आपका कर्म होना चाहिए। आपके संग दृढ़ता होनी चाहिए कि नहीं, मैं यीशु के पास जा रही हूं, मैं यीशु के घर में जा रही हूं, मैं उस परम पिता के चरणों में जा रही हूं जिसने सृष्टि को रचा है। यीशु कौन है? हालेलुया। इफिसियों 1:19-21 के बीच में देखिए, यीशु कौन है उसको जानिए। हम किस पर विश्वास करना चाहते हैं? हम कौन है वो जिस पर हम विश्वास करें? इफिसियों 1:19-21। हाँ जी। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। आपको पता है जो विश्वास करता है उसके लिए उसकी सामर्थ कितनी महान है? उसकी सामर्थ क्या है पता? क्या है जानना चाहते हैं आप? आगे पढ़िए। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसने उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो केवल इस और लोक में पर आने वाले लोग में भी। एक मिनट, उसका सामर्थ क्या है?
उसकी सामर्थ क्या है जो परमेश्वर ने उसमें कौन सी सामर्थ दी है? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सब प्रकार की प्रधानता, दुनिया की दुनिया का हर प्रधानता, सब प्रकार की प्रधानता किसके पास है? यीशु के पास है। सब प्रकार का सामर्थ अधिकार किसके पास है? यीशु के पास है। सब सबके ऊपर प्रभुता किसके पास है? यीशु के पास है। वो सामर्थ है उसके पास, और वो सामर्थ हम विश्वास करने वालों के लिए महान है। प्रेज द लॉर्ड। उसने वो सामर्थ किसके लिए रखा है मेरी बहन? जो विश्वास करते हैं। वो जो सामर्थ है, जो प्रभु का सामर्थ है, किसके अब किसके लिए काम करता है? जो विश्वास करते हैं। आप परमेश्वर का वचन अगर विश्वास के संग सुनेंगे, अद्भुत तरीके से वो काम आएगा। प्रेज द लॉर्ड। मती 8:6 से पढ़िए, 6, 7, 8, 10 और 13। यहां एक सूबेदार है जो यीशु मसीह को जानता है, जो जानता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। सूबेदार जानता है जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह कहता है वो होता है, उसके मुंह से निकला हुआ वचन सिद्ध होता है, वो जानता है। मती 8:6 और 7। हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा। सूबेदार यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे का मारा हुआ बहुत पीड़ा से तड़प रहा है। आगे उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। आमीन। आगे सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए। प्रेज द लॉर्ड। परंतु एक मिनट, सूबेदार का विश्वास क्या था? वो यीशु के पास आया। विश्वास क्या है? यीशु के पास आया। लेकिन विश्वास के संग कर्म क्या है? उसने कहा, नहीं नहीं प्रभु। वो जानता है यीशु कौन है, वो जानता है यीशु कहेगा को होगा। प्रेज द लॉर्ड। तुझे बोलने की जरूरत क्या है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं चर्च में कदम रखूंगी और मुझे आशीष मिलेगा। मैं चर्च में जाने की सोचूंगी, प्रभु को अपने जीवन में समर्पित करूंगी, आशीष मिलना शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास क्या है? परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा अपने सामर्थ को प्रकट करता है। इसलिए वो कहता है कि हे प्रभु, तुझे आने की जरूरत नहीं है। अरे तू महान इंसान है। yes. तू परमेश्वर है। Amen. जिसने अपने मुंह के वचनों से सृष्टि की रचना कर दी, उसने बोला और सृष्टि बन गई। प्रेज द लॉर्ड। तू यहीं से बैठा बैठा बोल दे। yes, yes. तू यहीं से बोल कि मेरा चेला चंगा हो जाए, वो चंगा हो जाएगा। हेलो। प्रेज द लॉर्ड। तू बोल और मेरा चंगा होगा। दसवां। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा विश्वास नहीं है आजकल। हम जानते हैं लेकिन नहीं जानते। हम यीशु को जानते हैं लेकिन नहीं जानते। हम उसको पहचानते ही नहीं। हम छोटी छोटी सी बीमारियों के लिए, छोटी छोटी समस्याओं के लिए घबराते हैं, होगा कि नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा रोज विश्वास डगमगाता है, रोज विश्वास डगमगाता है। हम कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, क्योंकि आप पहचानते ही नहीं हैं। आप जानते हैं यीशु है, यीशु मर के जिंदा हुआ, लेकिन आप जानते नहीं कि उसका सामर्थ विश्वास करने वालों के लिए कितना महान है। वो आपके जीवन में कुछ भी कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता है। आपको उसने विश्वास क्यों दिया? क्यों दिया आपको विश्वास उसने? क्यों दिया अपना नाम उसने आपको? क्यों आपकी बुद्धि खोली? ताकि आपके विश्वास के द्वारा वो प्रकट हो। प्रेज द लॉर्ड। आपके विश्वास के, हम सब विश्वास क्या करते हैं? हमारा विश्वास कमजोर है, हमारा विश्वास आधारहीन है, हमारे विश्वास में आधार ही नहीं है, खोखला है हमारा विश्वास। इसलिए हम आते हैं और जाते हैं, 2 दिन यहां 4 दिन वहां 4 दिन वहां, बस, क्योंकि हमारा विश्वास आधार रहित है। इसका 13वां पढ़िए, 13वां, इसका 13वां। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। हालेलुया। कैसा हो? उसने कहा तेरा बेटा चंगा हो जाएगा।
तेरा दास चंगा होगा? नहीं, जैसा तेरा विश्वास है। जिस विश्वास के संग तू कलीसिया आता है उसी विश्वास के संग वैसा ही होगा। जिस विश्वास को तूने अपने अंदर रखा हुआ है वैसा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। जिस विश्वास के संग तू यीशु को देखती है, जिस रूप में यीशु को देखती है, जिस तरीके से यीशु को देखती है, वैसा ही तेरे जीवन में होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसा तेरा विश्वास है। हम अपनी समस्याओं के लिए रोते हैं, हम दुखों के लिए रोते हैं, हम तड़पते हैं, हम कहां जाएं, किसके सामने जाएं, भीख मांगे किसके सामने, घुटने टेके कहां पर नतमस्तक हो। अरे मेरे भाई, मेरे यीशु पर विश्वास करके देख, मेरे यीशु पर विश्वास करके देख और अंगीकार कर। अपने घर में बैठे बैठे आराधना के गीत गा। तुझे दुख है, स्तुति कर, आराधना कर। प्रेज द लॉर्ड। उसको बोल, कोई अगर पूछे क्या कर रहे हो बहन, आप पागल हो गए, कहते हाँ मैं पागल हूं, क्योंकि मेरा यीशु निर्बलता में सिद्ध होता है। जब मैं दुखी होती हूं मेरा यीशु मुझे गले लगाता है। हालेलुया। निर्बलता में सिद्ध होती हूं मैं, क्योंकि मेरा प्रभु अनुग्रहकारी है, वो मेरे जीवन में काम करने के लिए आया हुआ है। अपने विश्वास को जगाइए। आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, आपके पास यीशु है, आपके पास यीशु का सामर्थ है। वो किसी के मनों को बदलने वाला है। कोई भी शक्ति उसके पैरों के नीचे है। हर नाम जो इस युग में या आने वाले युग में लिया जाएगा वो उसके पैरों के नीचे है। इसलिए जादू टोना की कोई शक्ति उसके नाम के आगे काम नहीं कर सकती। अगर आप समझते कि आपको किसी ने जादू टोना किया है, यीशु मसीह पर विश्वास करिए, समर्पित करिए अपने आप को, आपके जादू टोना की जो शक्ति है टूट जाएगी, बिखर जाएगी, बिखर जाएगी। शैतान की योजनाएं खत्म हो जाएंगी। शैतान आपके विश्वास को कमजोर करता है। शैतान आपको बोलता है, ठीक है तुम चढ़ जाती हो, लेकिन किसी डॉक्टर को भी दिखा लो, अरे कभी ये भी कर लो, वो भी कर लो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई, वो बेदारी जो आज से 150 साल पहले थी वो अभी क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने यीशु को देखना बंद कर दिया है। आजकल वो चमत्कारों को देखते हैं, वो अपने अपनी मिनिस्ट्री देख रहे हैं, मेरा कहां है, मैं कहां पर हूं। अरे मेरे भाई, मेरे अंदर यीशु कहां है? प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरे अंदर यीशु है, मैं इस पहाड़ से बोलूंगा और वो उठेगा और चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या किया था यीशु मसीह ने? यीशु मसीह जब 40 दिन की प्रार्थना में था, तो बाइबल कहती है, लूका का पढ़िएगा, उसका 14 और उसका 13, कि वो जब गया था तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। हालेलुया। क्या था? लूका का 4 का निकालिए, 4 का 1 निकालिए, लूका 4 का 1, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, लूका। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और प्रेज द लॉर्ड। बस, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा उसे यहां यहां लेके गई, और यीशु मसीह आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचनों के द्वारा बात करता रहा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता रहा। इसी का 14वां, 4 का 14वां। फिर यीशु, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उसकी आज्ञाओं में सामर्थ है, उसकी उपस्थिति में क्या कहता है? फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील लौटा। वहां पर क्या था? जब 4 के पहले में यीशु गया तो आत्मा से परिपूर्ण था, लेकिन जब वहां से लौटा तो आत्मा का सामर्थ उसके अंदर था। और बाइबल क्या कहती है? और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। उसको अपना बोर्ड नहीं लगाना पड़ा कि मैं चंगाई दाता हूं, मैं भविष्यवाणियां भी करता हूं, बोर्ड नहीं लगाना पड़ा। अपने आप पूरे देश में उसकी चर्चा फैल गई। आप परमेश्वर की सेवा करिए, उसकी आज्ञाओं पे चलिए, परमेश्वर आपको उठाएगा। इस लायक बनिए।
प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा अपने सामर्थ को प्रकट करता है। सूबेदार ने क्या कहा, देखिए 13वां पढ़िए उसका, कि तेरे विश्वास के द्वारा हो, जैसा तूने विश्वास किया है वैसा हो। यूहन्ना 6:10-12 प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 6, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, रेगिस्तान था, जंगल था, बियाबान जगह थी, कोई दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वहां पर 5,000 लोग जो पुरुष थे, 5,000 स्त्रियां और 2,000 बच्चे, जो कि बाइबल कहती है तकरीबन वहां 12,000 लोग थे जो यीशु मसीह का संदेश सुन रहे थे। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, उसने अपने चेलों से कहा, फिलिपुस इनके खाने के लिए क्या करूं, इनको खाना दो। उसने कहा हम कहां से देंगे खाना परमेश्वर, हमारे पास जंगल में खाना कहां है, दूर गांव में जाएंगे तो खाना मिलेगा, वो भी 200 दिनार का भी, रोटियां कम पड़ जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या दिखाना चाहता था, अपना सामर्थ। यीशु मसीह क्या दिखाना चाहता था, परमेश्वर का सामर्थ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने क्या कहा, इस सारी भीड़ को बोलो कि 50-50 पंक्ति में बैठ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, वहां क्या था, जंगल था। उस भीड़ के सामने कोई पतीले नहीं थे, कोई सब्जी के पतीले नहीं थे, कोई रोटियां नहीं थी, वहां पर खाली जगह थी। चेलों ने कहा बैठो तुम्हें खाना मिलेगा। परमेश्वर का सामर्थ उस जगह काम कैसे कर पाया, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। अगर वो विश्वास नहीं करते, अगर कहते नहीं यार, यार यहां पर यार ना कोई सब्जी दिख रही ना खाना दिख रहा है, यीशु मसीह कह रहा है यहां बैठो, नहीं 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 यीशु हम चले जाएंगे घर, हम थोड़ा थोड़ा ही दूर है, जाके खाना खा लेंगे, आप रहने दो ना, तो क्या सामर्थ हो पाता, 5,000 को रोटी मिलती? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे मिली, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। बिना प्लेट, बिना रोटी वो जंगल में बैठ गए कि यीशु के मुख से निकला है कि तुम्हें रोटी मिलेगी। यीशु ने कहा है कि जो कलीसिया से जुड़ेगा उसको आशीष मिलेगा। यीशु के वचन है, कलीसिया में अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, मेरे नाम में शिफा है। यीशु के नाम में शिफा है। जब उस नाम को हम विश्वास के संग ग्रहण करते हैं, चाहे कलीसिया में हो चाहे घर में हो, परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा अपने सामर्थ को दिखाएगा। इसलिए उनको रोटी मिली, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया, संदेह नहीं किया, विश्वास किया। चेलों ने काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा विश्वास, क्योंकि हम गंभीरता से, उन्होंने गंभीरता से लिया। जब तक हम यीशु मसीह को गंभीरता से नहीं लेंगे, हम आशीष नहीं प्राप्त करेंगे, हम ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, हम बुद्धि नहीं प्राप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा ने परमेश्वर को गंभीरता से लिया जब वो लाल समुद्र से लेकर आया। कहता यीशु मसीह, कहता मूसा के पास कुछ नहीं था, उसका विश्वास नहीं था, उसका नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा फिर उनके पास, अरे नहीं प्रभु मैं बोलना नहीं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। परमेश्वर ने उसको विश्वास दिया, परमेश्वर ने उसके अंदर विश्वास बोया। ये लाठी है, अधिकार तेरा, जो मैं बोल रूंगा हारून के लिए तू परमेश्वर के समान होगा, जो तू बोलेगा वैसा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने अद्भुत सामर्थ के संग अपने काम किए। कैसे, क्योंकि मूसा ने विश्वास किया। मूसा बोलता था कि कल बारिश होगी, कल मेंढक आएंगे, कल टिड्डियों से भर जाएगा ये। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या देखा था उसने आज तक मूसा ने, पूरा देश टिड्डियों से भर जाएगा, क्या उसने आज तक देखा था? बाइबल कहती है जो विपत्तियां फिरौन के द्वारा हुई, जो विपत्तियां मिस्र में हुई, वो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। मूसा ने सुना भी नहीं था कि टिड्डियों से पूरा देश भर जाएगा। अरे मैं इस नील की नदी में लाठी मारूंगा, ये लहू हो जाएगी, कभी आज तक हुआ ही नहीं। लेकिन क्या था उसके पास, विश्वास। और जब उसने कहा विश्वास के संग उसने लाठी मारी, नील नदी लहू बन गई। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ आपके विश्वास के द्वारा काम करता है।
आप विश्वास करिए कि मेरी बच्ची का अच्छा होगा, मेरी बच्ची को अद्भुत आशीषित बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मेरा पति अच्छा होगा, मेरा परिवार सुख से जीवन जिएगा, मेरे बच्चियों का जीवन सुख से आशीषित है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका विश्वास आपको सामर्थ्य, परमेश्वर के सामर्थ्य से मिलवाएगा। क्यों था मूसा के पास विश्वास? क्योंकि मूसा ने परमेश्वर को गंभीरता से लिया। मूसा ने परमेश्वर को गंभीरता से लिया। उसने पति पत्नी के बारे में नहीं सोचा, इत्रो जो उसका ससुर आया। मूसा के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम कर चुका था। मूसा को परमेश्वर ने एक नबी बना दिया था, लेकिन जब इत्रो आया, इत्रो ने कहा कि मूसा तू काम गलत कर रहा है, मूसा तू इस काम को ऐसे कर। मूसा की दीनता देखिए। मूसा ने कहा यस, हाँ ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगा। और सिर्फ उसने सुना नहीं, उसने किया भी वैसा। इतना दीन था, 40 दिन 40 रात परमेश्वर के आमने सामने बात की उसने। निर्गमन 33:14 यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा। हाँ, 33:13 और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। मूसा अब कह रहा है, जब इसराइलियों को छुड़ा के लेकर आ गया, जब वहां पर चट्टान का पानी उसने पिला दिया, जब मन्ना आ गया, उसके बाद मूसा कह रहा है परमेश्वर से, सुनिए, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। अब अगर मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, हालेलुया, तो मुझे सोचिए उसने उसके अनुग्रह को कितनी गंभीरता से लिया। हम उसके अनुग्रह को गंभीरता से नहीं लेते। हमें अचानक परमेश्वर आशीष देता है, अनुग्रह दिया उसने, लेकिन हम नहीं, हम घमंड से आ जाते। उसके अनुग्रह की दीनता, उसकी दीनता उसमें आ गई। क्या था मूसा? मिदान शहर में भेड़ों को चराना था। परमेश्वर का अनुग्रह उसकी कीमत को समझा कि परमेश्वर ने दिया है मुझे। प्रेज द लॉर्ड। कहीं भी निर्गमन में मूसा ने घमंड नहीं किया है, मैं हूं, मैं परमेश्वर से बात करता हूं, मैंने परमेश्वर को देखा, उसकी उपस्थिति में रहा हूं मैं। क्या कहता है वो 33:13 अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, हालेलुया, तो मुझे अपनी गति समझा दे, मुझे अपनी गति समझा दे, हालेलुया। क्या कह रहा है मूसा? कि मुझे अपने मार्ग समझा दे, मुझे अपने रास्ते समझा दे, मुझे अपनी समझ दे। इतना काम करने के बाद, परमेश्वर से मिलने के बाद, उसके साथ रहने के बाद वो कहता है कि मुझे अपने काम समझा, मुझे बुद्धि दे, मैं समझूं कि तू क्या चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को गंभीरता से लिया। ये परमेश्वर है, ये यहोवा है, ये जो कहता है होता है। उसने उसके हर वचन को गंभीरता से लिया, लेकिन एक ही बार उसने चूका है। वो पूरे जीवन में उसने गंभीरता से लिया, गंभीर रखा वो अपने आप को कि नहीं, मुझे प्रभु कह रहा है, प्रभु मेरे साथ नहीं होगा तो क्या होगा? प्रभु कह रहा है मैं अपने स्वर्गदूत को भेज दूंगा, नहीं, मुझे प्रभु तू चाहिए, मुझे तू चाहिए, तू नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरा नाम अपनी पुस्तक से निकाल ले। हालेलुया। क्योंकि वो उसने जाना था वो कौन है। हम परमेश्वर को गंभीरता से नहीं लेते, हमें परमेश्वर को गंभीर, क्योंकि वो गंभीर, उसका विचार गंभीर है। उसने अगर आपको चुना है तो वो आपके लिए गंभीर है। उसने अगर आपका नाम अपने दिल पे रखा है तो वो आपके लिए गंभीर है। वो चाहता है कि आप उसकी सेविका करें, आपके लिए गंभीर है। लेकिन नहीं, हम तो संसार से निकल ही नहीं सकते, हमने गंभीरता से लिया ही नहीं परमेश्वर को,
हमारी कमर दर्द होती है, ये दर्द होता है, वो दर्द होता है, पैसा नहीं है। Praise the Lord. जब मूसा परमेश्वर की सेविकाई के लिए निकला था, उसने मांगा था कि मुझे कितना पैसा दोगे आप, कुछ दान दशान मेरे जेब में डाल दो, फिर उनके पास जा रहा हूं, क्या खाऊंगा, पूछा था उसने? मुझे रोटी के लिए पैसे दे दो, पूछा था उसने? आप सेवक, आपको चुना है, क्यों नहीं, क्यों आप पूछते हैं? क्योंकि आप गंभीर नहीं है, क्योंकि आपने गंभीरता से परमेश्वर को लिया ही नहीं, क्योंकि आपने गंभीरता से उसकी सेविकाई को लिया ही नहीं। आप नाटक करते हैं गंभीर होने का, प्रभु के लिए मैं बहुत गंभीर हूं, लेकिन जब वक्त आएगा पिछड़ जाते हैं, जरा सी बात आपको बुरी लग जाती है, जरा सा आपका विश्वास कमजोर हो जाता है, शो करते हैं आप गंभीर हैं। पास्टर वचन आज के बहुत अच्छे थे, अरे भैया तो वो वचन काम क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं वो वचन? क्योंकि आप गंभीर नहीं है। आपको तालियां बजानी आती हैं, हालेलुया कहना आता है, लेकिन आप गंभीर नहीं है। गंभीर आदमी ऐसे नहीं बैठता है जिसने यीशु को गंभीरता से लिया हो। चेलों ने गंभीरता से नहीं लिया परमेश्वर को, यीशु को गंभीरता से नहीं लिया। वो मरियम मगदलीनी गई वहां पर उस कब्र को देखने के लिए, कब्र खाली थी। जब वापस आई, पढ़िए लूका 24 का, लूका 24 9 से 12, उसे यीशु मसीह से मिली, वो स्वर्गदूतों से मिली, और मरियम मगदलीनी गंभीर थी, मरियम मगदलीनी गंभीर थी, मरियम गंभीर थी, चेले गंभीर नहीं थे। 3.5 साल तक यीशु मसीह के संग घूम रहे थे, मुर्दों को देखा उसने, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, अंधों को देखा, पानी पे चलते हुए देखा, यीशु मसीह का रूपांतरण देखा, लेकिन गंभीर नहीं लिया। जब मरियम ने बताया तो क्या किया, पढ़िए 9 से 12, और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब और को, कब्र से लौटकर उन्होंने, किन्होंने, मरियम मगदलीनी ने, सलोनी ने, मरियम ने, याकूब की मां ने, उन्होंने उन 11 को और सब को ये बातें कह सुनाई। 11 के संग और लोग भी वहां पर थे, और चेले भी थे, उन सब को वो बातें जो वहां उसने देखी थी कह सुनाई। अगला, जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही, वे मरियम मगदलीनी और यहोन्ना और याकूब की माता मरियम और उसके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। एक मिनट, कौन कह रहा था ये बातें? कोई आम आदमी नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड, मरियम मगदलीनी कह रही थी, जो उनके संग सेवा करती थी, वो मरियम जिसकी कोख से यीशु मसीह जन्म ली था, वो कह रही थी। कौन कह रहा था? उन चेलों को कहने वाला कौन था? वो मरियम थी, सलोमी थी, मरियम मगदलीनी थी। इट्स अ लॉट, क्योंकि उन्होंने 3.5 साल तक यीशु मसीह के संग जीवन जिया, लेकिन गंभीर नहीं लिया, गंभीरता से नहीं रहे। अगला, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी। हालेलुया, चेलों को मरियम मगदलीनी की कहानी, मतलब बातें कहानी लगी। यीशु मसीह ने मरने से पहले 7 बार कहा था कि मैं मर के जिंदा हो जाऊंगा। उनको कहानी लगी, क्योंकि नहीं, उन्होंने गंभीरता से लिया नहीं। वो मर के जिंदा हो गया, कहानी लगी, अरे मर के कैसे जिंदा होगा? प्रेज द लॉर्ड। अगर उन्होंने सीरियस लिया होता, अगर उन्होंने गंभीर लिया होता यीशु मसीह को, तो वो वहीं पर खड़े होते उस कब्र में, संडे की सुबह, शनिवार की रात को वहीं पर होते, स्तुति आराधना करते। पिलातुस आता, महायाजक आता, अधिकारी आते, और सब लोग कहते, तुम लोग क्या कर रहे हो? बोलो, मेरा यीशु सुबह उठने वाला है, मेरा यीशु जिंदा होने वाला है।
लगाओ सेना, लगाओ पहरा, कितना भी लगा लो ये पत्थर उड़ेगा और यीशु मसीह आ जाएगा बाहर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उन्होंने गंभीरता से लिया नहीं, इसलिए ऊपरी कोठरी में छुपके पड़े हुए, छुपके पड़े हुए, डर रहे हैं। मेरी बहन, अंतिम समय है, अपने आप को जांचिए। अगर आप गंभीरता से प्रभु को नहीं ले रहे हैं, कभी भी आप पीछे हट सकते हैं, कभी भी, कभी भी। कोई सताव, कोई आपको तंगी, आपकी भूख आपको पीछे हटा देगी, गंभीरता से आपने लिया ही नहीं। अगर गंभीरता से लिया होता मेरी बहन, आपके अंदर वो तड़प होती, आप घर में नहीं बैठते, वो ऊपर की कोठरी में बैठे थे, 11 के 11 जिनको चुना था, मरियम मगदलीनी को चुना नहीं था, वो बैठी हुई कब्र के पास, वो सलोनी मसाले तैयार कर रही है। हालेलुया, मैं अपने यीशु से मिलने आई हूं। वो कहता यीशु मर गया, वो मेरा प्रभु था, वो मरे हुए यीशु को प्रभु कह रही है, बैठी हुई है क्योंकि रात को सो नहीं पाई। बाइबल पढ़िए, अगर आपको पता लगेगा, मरकुस 16 का 1, रात के तड़के रात, अभी भोर भोर होने में बहुत समय था, वो घर से निकल पड़ी। अरे पास्टर मैं कैसे निकलूं, रात है, अरे पास्टर दिन होता है, कोई होता ही नहीं हमारे साथ, कैसे निकलूं, कोई तो साथ में आए। जब रेफ्टर का टाइम आएगा तो पूछना यीशु मसीह कोई साथ में तो आए, मैं अकेले कैसे आया हूं आपके पास। नहीं, अकेले नहीं आ सकती यीशु मसीह, अभी नहीं, आप थोड़ी देर बाद आना, मैं कोई तो साथ हो मेरे। हम भक्त हैं, हम यीशु मसीह के वचनों को समझते हैं, हम बहुत भक्त हैं। हालेलुया, दिखावा है, सिर्फ दिखावा है। अगर आप गंभीर हैं तो ये नाला सुपारा, इसे आप बेदारी आएगी। हालेलुया, यहाँ के लोग जो नहीं जानते जानेंगे। आप घर में बैठे हुए हैं क्योंकि आपको मिल गया यीशु, और आप ये बहुत बड़ी गलत फहमी में है कि यीशु मसीह हमेशा आपके साथ रहेगा, बहुत गलत फहमी में आप लोग। जब तक आप उसे गंभीरता से नहीं लेंगे, इसीलिए यीशु मसीह 40 दिन रुका, 24 का 25 से 27 पढ़िए, 40 दिन रुककर उसने बताया कि मैं कौन हूं, मैंने क्या कहा था। इमाउस के रास्ते पर जब दो चेले जा रहे थे, यीशु मसीह ने उन्हें बताया, इसी लूका का 24 का 25 से 27 पढ़िए। तब उसने उससे कहा, हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। मंद बुद्धि कह रहा है वो, मंद बुद्धि किसको कहते हैं, पागलों को। अरे तुम में अगर बुद्धि नहीं, मेरे संग क्यों चले थे तुम। मंद बुद्धियों, निर्बुद्धियों, क्या अवश्य न था कि मसीह, क्या अवश्य न था कि मसीह का मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। लिखा हुआ व्यवस्था में, कई बार मैंने तुमसे कहा है, लेकिन तुम मरियम मगदलीनी की बात सुनकर कहानी तुम्हें लग रही है ये बात। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको कहानी लग रही है। यीशु मसीह का आना और हमें बादलों में उठा के लेके जाना, आपको कहानी लग रही है, कहानी लग रही है, इसलिए आप सीरियस नहीं है। 7 साल का यहां महाकाल का पीरियड होगा, आपको कहानी लग रही है। जब सताव आएगा ना, आपकी कहानियां आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन आपका क्या है, आज इस पालने में जैसे सताव आएगा दूसरे रास्ते में आ जाएंगे, आपको भी कहानी लगेगी, नहीं नहीं यीशु मसीह को हम नहीं जानते, पतरस की तरह नहीं नहीं अरे नहीं, चर्च जाते थे कभी कभी, हम ऐसे नहीं है, हम तो आपके हैं, लाओ ना 666 अभी लगवाते हैं।
क्योंकि गंभीरता से लिया ही नहीं। हमारे लिए हमारा शरीर सब कुछ है, हम अपनी आत्मा की कदर ही नहीं करते जो जिंदा है, जो जिंदा है। इसलिए वो कहता है कि भविष्यवक्ताओं ने जो कहा था वो कहते तुम्हें याद नहीं, मसीह का दुख उठाना और दुख उठाकर महिमा में आना ये निश्चित है। इसलिए 40 दिन रहकर यीशु मसीह बताता रहा कि मैं कौन हूं, मैंने क्या क्या क्यों किया है, परमेश्वर की योजना क्या है। हम अपने धंधे में अटके हुए और हम समझते हैं बहुत समझदारी के काम कर रहे हैं। अरे यीशु मसीह को जानने के बाद अगर सिर्फ धंधे की सोच रहे हो भाई साहब, आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं आपसे ज्यादा बेवकूफ इंसान। अगर यीशु को जानने के बाद भी अपने धंधे के बारे में सोच रहे हो तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया तो आपको बोलेगी, मजाक उड़ाएंगे आपका लोग। लूका 8:51-55, वो यार नाम के अधिकारी था, उसकी बेटी मर गई। वो आया अधिकारी, यीशु चल मेरे घर, उस पर हाथ रख दे, वो जी उठेगी। यीशु मसीह ने कहा चल। एक आदमी आया, अरे नहीं नहीं क्यों गुरु को तकलीफ देता है, तेरी बेटी मर गई है। यीशु मसीह ने कहा नहीं, सो रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा यीशु मसीह ने? सो रही है। लोग हंसने लगे। आपके पड़ोसी हंसेंगे जब आप बोलोगे कि यीशु मसीह मार्ग सत्य जीवन है। आपके पड़ोसी हंसेंगे जब आप बोलोगे कि मौत के बाद जीवन है और वो मेरा है। आप बोलोगे क्योंकि इसलिए है आप बोलते नहीं, क्योंकि आपको पहले पता है आप भविष्यवक्ता हो कि मैं बोलूंगी कि मौत के बाद जीवन है तो लोग हंसेंगे। क्यों अपनी हंसी उड़वाऊं, मुझे तो पता है, इनको नहीं पता तो रहने दो। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलते नहीं है, वहां भी हंस रहे थे लोग। 51 पढ़िए। घर में आकर उसने पत्रस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं था। क्यों वो बाकी चेलों को लेकर नहीं आया? क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं था। उन तीन चेलों को लेकर आया क्योंकि उनके अंदर विश्वास था, क्योंकि उसे अपना सामर्थ दिखाना था। सामर्थ कहां प्रकट होगा? जहां विश्वास होगा। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि नबी अपने घर में असफल रहता है, कोई उसकी कदर नहीं करता, घर वाले कदर नहीं करते। क्यों? क्योंकि घर वालों को विश्वास नहीं है। अगला। सब लोग उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। 53। वे यह जानकर कि वो मर गई है उसकी हंसी करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लोग जाने दे रहे मर गई है, ये क्या बोल रहा है यीशु मसीह? लोग हंसेंगे आपके ऊपर भी, लेकिन अगर आपको मेरी बहन परमेश्वर का सामर्थ अपने जीवन में देखना है तो आपको लोगों की परवाह नहीं करनी है। आपको लोगों के लिए जीना है या प्रभु के लिए जीना है? किसके लिए जीना है आपको? इसलिए लोगों की चिंता मत करिए। लोग तो बोलेंगे क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं। लोग तो विश्वास ही नहीं करते कि मुर्दे जिंदा होते हैं। लोग तो विश्वास ही नहीं करते कि जो जन्म का बहरा है वो ठीक हो जाएगा। ठीक होता है? अंधे देखते हैं, लोग जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर आप जानने के बाद भी अपने विश्वास को कर्म के द्वारा नहीं अपने जीवन में रखते हैं मेरी बहन, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको यीशु मिल गया है, मेरे पास यीशु है, मेरे पास परमेश्वर है, कुछ भी असंभव उसके लिए नहीं है। यीशु मसीह कौन है? कुलुसियों 1:15-18 के बीच में देखिए। कुलुसियों 1:15-18। कुलुसियन 1:15-18।
वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोटा है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, जोर से बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया, वो कौन है या किसके बारे में बात हो रही है? यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह कौन है? वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। जिस परमेश्वर को आपने नहीं देखा है उसका रूप लेकर वो आया है। वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। 16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी ही या अनदेखी, या सिंहासन, क्या प्रभुत्वाएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सजी गई हैं। प्रेज द लॉर्ड, सारी वस्तुएं जिनको आप देखते हैं, सारी वस्तुएं, आपका विश्वास आपको स्वर्गीय सामर्थ्य से जोड़ता है। परमेश्वर क्यों कहता है कि तूने विश्वास किया और चंगाई ली? क्योंकि वो चाहता है कि आप जब विश्वास करें तब आप स्वर्गीय सामर्थ्य से जुड़ जाएं, आप उस अलौकिक चीज से जुड़ जाएं, आप उस तरीके से देख, आप कैसे, अगर आपका विश्वास अधूरा है मेरे भाई मेरी बहन, तो आप उस चीज को नहीं देख पाएंगे। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का निश्चय, और विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आशा की वस्तु, जिसकी आपने आशा की वो दिखता है? अगर आप, अगर वो चीज दिखेगी तो आप आशा करेंगे? इसका मतलब वो नहीं दिखता है। तो बाइबल क्या कहती है? विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आपके बच्चे का टांग, आपने आशा की है कि मेरे बच्चे का टांग पूरी होगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन वो दिख रही है नहीं, लेकिन आपका निश्चय है, आपका विश्वास आपको निश्चय देता है। इसलिए विश्वास क्या है? जो आपको नहीं दिख रहा है, यीशु कहता है आपको उस पर विश्वास करना जो नहीं दिखता है, संसार कहता है आप उस पर विश्वास करो जो दिखता है। यही फर्क है, यही फर्क है। बाइबल कहती है तुम उस चीज पर विश्वास करो जो नहीं दिखता है, लेकिन संसार कहता है तुम उस चीज पर विश्वास करो जो दिखता है। Praise the Lord, यही फर्क है। इसलिए हमारा विश्वास संसार का है, हम संसार के विश्वास को लेकर आए जो दिखता है। इनके पास क्या था? संसार का विश्वास। वो कहता है कि अरे नहीं यार, बेटी जो है वो तो मर चुकी है। यीशु मसीह कहता है सो रही, हंसने लगे भाई क्या है, यीशु मसीह बोल रहा है, अरे कभी हुआ है, वो मर चुकी है, अभी कैसे जिएगी, क्योंकि उन्होंने आज तक देखा ही नहीं। मरियम मार्था ने देखा ही नहीं कि मुर्दा जिंदा होगा, क्या हुआ, मर गया, चलो गाड़ो, वो भूल गए कि मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं। आप जब तक उन चीजों पर विश्वास नहीं करेंगे जो नहीं दिखती है, तब तक परमेश्वर का सामर्थ्य को आप समझ ही नहीं सकते, आप समझ ही नहीं सकते। आपके पाप क्षमा हो गए, आपको दिख रहे हैं? हेलो, आपको दिख रहे हैं? आपके पाप क्षमा हो गए, आपको दिख रहे हैं? इसलिए आपका जो विश्वास है कमजोर है। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरीके से विश्वास ही नहीं कर रहे हैं कि आप पापी नहीं है अभी, इसलिए आपका ध्यान संसार में जा रहा है। अभी भी लड़कियों को देखकर आपके गलत भावनाएं आती हैं, अभी भी आपका मन करता है, अभी भी वो गलत चीजें आपके मन से जानी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास ही नहीं कि मैं पवित्र हो चुका हूं। आप पवित्र हैं, आपको विश्वास नहीं है। आपके हाथ उठाने से नहीं, मैं किसी से हाथ नहीं उठवाऊंगा क्योंकि सब हाथ उठाएंगे। आपको पवित्रता की शक्ति का एहसास नहीं है। विश्वास नहीं है। क्यों नहीं काम हो रहा है आपके जीवन में? आपका विश्वास अधूरा है। क्यों आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे? क्योंकि आपका विश्वास अधूरा है। हालेलुया,
क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो या अथवा पृथ्वी की, अनदेखी या सिंहासन या प्रभुताएं या प्रधानताएं या अधिकार, सभी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। अगला, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है और सारी वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। इब्रानियों 1:3, सारी वस्तुएं यीशु मसीह में स्थिर हैं, वह उसकी महिमा में एक मिनट स्थिर हैं, यानी कि यह आपका विश्वास होना चाहिए कि सारी वस्तुएं यीशु मसीह में स्थिर हैं, सारी अधिकार अंधकार की सारी शक्तियां यीशु के नीचे हैं। आपका विश्वास, जिस दिन आपका ये विश्वास होगा ना मेरी बहन, आपके जीवन में आप महसूस करेंगे हर पल परमेश्वर की उपस्थिति को, उसके सामर्थ्य को महसूस करेंगे। Praise the Lord। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हालेलुया। सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हमने क्या पढ़ा था इफिसियों 1:19 कि उसका सामर्थ्य उससे प्रेम करने वालों के लिए कितना महान है, उस पर विश्वास करने वालों के लिए कितना महान है। हालेलुया। यहां क्या है कि वो सब वस्तुओं को अपने सामर्थी वचन से संभालता है। जब भी हम यीशु मसीह के नाम से कोई प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, उसका सामर्थ्य प्रकट होता है, क्योंकि लिखा हुआ है वो उसकी महिमा का प्रकाश है और वो सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो बोलता है, वो बोलता है, इसलिए सूबेदार ने कहा तू यहीं से बोल दे यीशु। उसने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा हो। Praise the Lord। आप अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के प्यार को पाएंगी, जिस विश्वास के संग आप कलीसिया में बैठेंगे, जिस विश्वास के संग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, जिस विश्वास के संग उसके वचनों पर चलेंगे, मैं आपको सच कह रहा हूं आपका जीवन बदल जाएगा। Yes। आपके जीवन में असंभव चीजें संभव होने लगेंगी, असंभव चीजें संभव हो जाएंगी आपके जीवन में, क्योंकि आपने उसके सामर्थ्य को जान लिया है। इसलिए अपने विश्वास को कमजोर मत करिए, मत करिए अपने विश्वास को बिल्कुल भी कमजोर। Praise the Lord। लूका 2:32 देखिए वो क्या है, यीशु मसीह। लूका 2:32 जिस दिन आप ये जान लेंगे कि यीशु वो ज्योति है जो हमें जीवन देती है, यीशु वो बुद्धि हमें देता है जो हमारी समझ को खोलता है, वो क्या कहता है भविष्यवक्ता 2:32 में कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए, वो अन्य जातियों को कौन, यीशु मसीह परमेश्वर अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। यीशु मसीह ज्योति बनकर आया है, हमारी महिमा के लिए आया है वो, लेकिन उसकी महिमा हमारे जीवन से कब होगी मेरी बहन, जब हम विश्वास करेंगे, हमारा विश्वास उसके सामर्थ्य को प्रकट करेगा, हमारा विश्वास उसके सामर्थ्य को प्रकट करेगा। इसलिए उसको गंभीरता से लीजिए, इजी मत लीजिए, कभी भी चर्च आ रहे हैं कभी भी जा रहे हैं, नहीं भैया ये परमेश्वर का घर है, आप किससे मिलने आए हैं, परमेश्वर से, ये कोई गेस्ट हाउस नहीं है, कोई कॉफी डे नहीं है, ये बैठ गए नहीं, स्तुति आराधना के बाद आ रहे हैं। मैं तो आपको समझा सकता हूं, लेकिन आपका आशीष आपके हाथ में, अगर आप नहीं समझेंगे अपने आशीष को खोएंगे आप। मुझे दुख होगा कि मेरी बहनें मेरे भाई मेरे बच्चे जो आशीष पा सकते हैं लेकिन नहीं पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अपने यीशु को गंभीरता से नहीं लिया, आप गंभीरता से नहीं ले रहे, आप अपने कपड़ों को गंभीरता से लेंगे, मेरी चुन्नी सही है कि नहीं है,
ये लाल कलर है, ये नीला कलर है, ये मैच होता है कि नहीं मैच होता है। हम अपने कपड़ों को गंभीरता से लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सुबह क्या खाया था, शाम को क्या खाएंगे, कल क्या खाया था। प्रेज द लॉर्ड। आपने मांग लिया घर में कि भाई कल आपने चिकन बनाया, आज अरे रोज का चिकन खाओगे, हम गंभीरता से लेते हैं, नहीं। लेकिन प्रभु को गंभीरता से नहीं लेते, जो कि हमें प्रभु को ही गंभीरता से लेना है। आपके जीवन में प्रभु ही काम कर रहा है। अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, उसको गंभीरता से लीजिए। प्रभु के पास आ रहे हैं, गंभीरता से आइए। स्वार्थ रख के मत आइए, आप गंभीरता से आइए, आपको सब कुछ मिलेगा। वो कहता है बुद्धि, सुलेमान ने क्या मांगा, बुद्धि। धन दौलत नहीं मांगी, उसने कहा मुझे बुद्धि दे दो बस, मैं समझ सकूं तुझे कौन है तू, क्योंकि उसने परमेश्वर को गंभीरता से लिया था। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास ऑप्शन थे कि तू धन मांग, मान मांग, सम्मान मांग, मांग क्या मांगना तुझे, मुझे तुझे समझना है, मुझे बुद्धि चाहिए। मूसा कहता है मुझे बुद्धि चाहिए ताकि मैं तेरे गति को समझ सकूं, मैं तेरे मार्गों को जान सकूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए अगर आप अपने जीवन में उसकी आशीषों को पाना चाहते हैं, जो कि आपके लिए हैं, जो आप ही के लिए हैं, मैं फिर कह रहा हूं, उसके लिए गंभीर हो जाइए, क्योंकि वो गंभीर है, उसने आपको गंभीरता से चुना है, वो आपकी बुद्धि खोलकर कलीसिया में लेकर आ रहा है गंभीरता से कि चलो कलीसिया चलो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। लेकिन अगर आप कलीसिया में गंभीरता से नहीं बैठेंगे तो आप उसका आशीष नहीं पाएंगे। गंभीर कलीसिया को खेल मत समझिए, टाइम पास मत समझिए, कलीसिया है, उसकी देह है, उसकी देह के संग खिलवाड़ मत करिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ठट्टों में मत उड़ाइए उसे, उसका नियम है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको कह रहा हूं, अगर विश्वास के संग आप गंभीरता से यीशु को लेंगे अपने जीवन में, असंभव चीजें आपके जीवन में ऐसे होंगी आपके काम, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब प्रभु करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।